कहना है जब तक सूरज चांद रहेगा सुशील मोदी याद किए जाएंगे। बिहार में उन्होंने एक छाप छोड़ी है, हम सबों को उनके साथ काम करने का जो मौका मिला है हमेशा याद किए जाएंगे। नहीं नहीं, बहुत बड़े समाज सेवी थे, जनता के लिए सुलभ रहते थे, बहुत बड़ा कल्याण किया, अपूर्णीय क्षति है उनके प्रति मेरी श्रद्धा। जनजन के लोकप्रिय नेता सुशील कुमार मोदी जी के साथ छात्र आंदोलन से लेकर विपक्ष की भूमिका में बिहार में और सरकार चलाने में साथ रहने का मौका मिला और राष्ट्र के प्रति बिहार के प्रति समर्पित थे और जनता के आवाज़ को सड़क से लेकर विधानसभा तक मुखर उठाने का काम करते थे। वित्त मंत्री के रूप में जब बिहार में जब उन्होंने कमान संभाला जा करके तो बिहार का वित्तीय प्रबंधन था बहुत बेहतर हुआ और बिहार के विकास सलांग लगाया जा करके, और मैं देख रहा हूँ लगातार लोकसभा रहा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद रहा हो, विधानसभा, सभी जगहों पर उन्होंने राज्य के विकास में बिहार के विकास के लिए लगातार मुखर होकर के और अपने अधिकार के लिए लड़ने का काम उन्होंने किया। सुशील मोदी का निधन तो 13 मई 2024 के ही हो गया, मगर ठीक 4 दिन बाद श्रद्धांजलि सभा रखी गई पटना के रविंद्र भवन में, जहां पर मौजूद थे बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के कई मंत्री, पूर्व विधायक, केंद्र सरकार के मंत्री, कई सांसद और साथ ही सुशील मोदी के परिवार के सदस्य भी वहां पर मौजूद थे। वहां पर सभी लोग पुष्प चढ़ाते हुए नजर आए, माल्यार्पण करते हुए नजर आए, चाहे वह मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल हों या बिहार सरकार के मंत्री हों या मोदी सरकार के मंत्री हों या फिर और भी अन्य विधायक गण, सांसद गण, सभी लोग, तो सभी लोग नम आँखों से कह सकते हैं कि याद कर रहे थे सुशील मोदी को। और इस श्रद्धांजलि सभा में कह सकते हैं कि सुशील मोदी को लगभग आधी सदी का जो उनका कार्यकाल रहा, छात्र जीवन से ही राजनीति का अब तक का, वह याद करते हुए सभी भावुक हो रहे थे और याद कर रहे थे। साथ ही सुशील मोदी के परिवार के सदस्य थे, पुत्र थे, उनकी पत्नी थी, सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। और अभी यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा रविंद्र भवन पटना में उनको याद करते हुए अलग अलग ढंग और तरीके से याद किया गया कि किस प्रकार से चारों सदनों के सदस्य रहे और आखिर में कैंसर से लड़ते लड़ते हार गए। तो इस प्रकार देख रहे होंगे कि किस प्रकार से बिहार के सभी दिग्गज नेता उनके श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे, उसमें उनके पुराने मित्र कहें तो नीतीश कुमार दिख रहे हैं और उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री भी। तो इस प्रकार श्रद्धांजलि सभा में बिहार के कई दिग्गज नेता पहुंचे और उन्हें याद किए। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर, मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।